एक बार फिर से नए वर्ष के दिन हम आपका अपनी पुष्प वाटिका गोंडा में फिर से स्वागत करते हैं और आपको नए वर्ष की ढेरों सारी बधाइयां देते हैं। आज मैं आपको कुछ इंडोर्स प्लान के बारे में जानकारी दूंगा जो हमारी पुष्प वाटिका में उपलब्ध हैं और आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मेरे पास एक पौधा है जिसको हम पेंसिल फाइकस या पेंसिल पाम के नाम से जानते हैं। सुंदर सा पौधा है, इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 फुट है और आप देखें इसको जब लगाएंगे या इसके साथ 3-4 पौधे ऐसे ही लगाएंगे तो आपके बगीचे की शोभा बढ़ती चली जाएगी। आप इसे अपने बरामदे में भी रख सकते हैं, लान में भी रख सकते हैं और इसको बड़े गमले में यदि आप शिफ्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसकी कोई विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा इसको पानी कम चाहिए और ये आसानी से ग्रो करता जाएगा। इसके अलावा आज हम आपको कुछ अपने मसाले वाले पौधों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। आप देखेंगे कि मेरे सामने ढेरों सारे पौधे मसाले के रखे हुए हैं। इनमें से ये देखिए, ये लौंग का पौधा अभी मैंने इसको शिफ्ट किया है। ये लौंग का पौधा है, अभी ये ग्रो करेगा और फ्लावरिंग और फल भी देगा। तो ये लौंग का पौधा आप जानते हो कि मसाले के लिए और हमारे तमाम दवाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा ये देखेंगे मेरे पास में गर्म मसाले का पौधा है। महिलाएं मसालों में गर्म मसाले लगाना बहुत पसंद करती हैं, इसलिए अभी ये पौधा छोटा दिख रहा है तो आप इस गर्म मसाले के पौधे को भी आप अपने यहाँ ले जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ देखिए ये दालचीनी का पौधा है। देखिए इसमें फल भी आने शुरू हो गए हैं, छोटे पॉली बैग में अभी ये है, इसको आप लगा सकते हैं। दालचीनी के पौधे का भी मसाले में बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इसके अलावा ये देखिए मेरे पास में एक सुंदर सा पौधा, ये पौधा देखिए कितना अच्छा लगता है, इसको हम तेज पत्ते का पौधा बोलते हैं। इसकी पत्तियां ही बहुत ही खूबसूरत होती हैं और मसालों में ख़ास तौर से जब आप पुलाव वगैरह बनाते हैं, रसेदार सब्जियां बनाते हैं तो इसमें इसका प्रयोग करते हैं। ये पौधा भी मेरी नर्सरी में आसानी से उपलब्ध है। और एक जो सबसे अच्छा पौधा है जिसकी सबको आवश्यकता महसूस होती है, जब कोई कहता है मेरे घर आयो तो इलायची खाओ, ये इलायची का पौधा है। ये सुंदर इलायची इसमें से निकलती हैं और अगर आप इसकी पत्तियां तोड़कर ही चाय में डालेंगे तो चाय की खुशबू इलायची जैसी आएगी, इलायची जैसी महक आएगी। आप कभी मेरी नर्सरी पर आएँ तो इस इलायची के पौधे को भी देखें, इलायची का पौधा आसानी से ग्रो करेगा। अभी ये सारे पौधे छोटे छोटे पॉली बैग में लगे हुए हैं इसलिए आपको ऐसे दिखाई पड़ते हैं। आप जब इनको अपने बगीचे में, अपने गार्डन में या 12 इंच के गमले में या 10 इंच के गमले में लगाएंगे, देखभाल करेंगे तो ये पौधे खूबसूरत लगेंगे। आइए हम आपको अपने नर्सरी के कुछ और पौधों के बारे में जानकारी देते हैं। इधर मेरे साथ आइएगा, ये अनार का पौधा रखा हुआ है। चूँकि ठंडक का मौसम है इसलिए थोड़ा मुरझाया दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक विशेष पौधे के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। देखिए मेरे पास एक अंजीर का पौधा ये आपको दिख रहा है। ये अंजीर का पौधा येलो कलर का है, येलो कलर की अंजीर इसमें निकलती है। अंजीर दो प्रकार की होती है, एक लाल और एक येलो, यानी एक लाल एक पीली। तो इसमें पीली कलर की अंजीर निकलती है और पूरा पौधा अंजीर से भर जाता है। अंजीर का पौधा आप जानते हो कि हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद है और ये अंजीर के बहुत सारे पौधे मेरे पास अभी से रखे हुए हैं। इसके अलावा नींबू का पौधा, ये देखिए संतरे का पौधा मेरे पास में है, आप इसको संतरे को उगा सकते हैं। इसके अलावा इधर हमारे पास नींबू के तमाम पौधे रखे हुए हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अभी सीजन नींबू का नहीं है इसलिए पौधे मुरझाए हुए आपको लगते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ पड़ेंगी ये अपने पूरे सबाब पर आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए, आपने मनोकामनी का नाम सुना होगा, ये मनोकामनी का पौधा है, बहुत खूबसूरत पौधा है। अभी आप एक क्रॉफ्टेड मनोकामनी है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पौधा होगा उठाऊँगा। ये क्रॉफ्टेड मनोकामनी है, ये क्रॉफ्टेड मनोकामनी, इसको आप देखिए इसमें बड़ी बड़ी मनोकामनी के फूल निकलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक छोटी वाली मनोकामनी होती है और ये हाइब्रिड बड़ी वाली मनोकामनी है। इसको गमले में लगाइए, ये पूरा गमला आपका भर जाएगा गर्मियों में और खूब सारी फ्लावरिंग होगी, इसमें सफ़ेद कलर के सुंदर से फूल आएंगे। इसके अलावा मेरे पास ये देखिए, जैसा मैंने तेज पत्ते का पौधा आपको बताया था, इधर ढेरों रखे हुए हैं। और ये लीची का पौधा है, लीची लगाइए, सुंदर लीची आपके घर आंगन को महकाएगी और तमाम लोगों को इसको खाने को मिलेगा।